नमस्कार और आप देख रहे हैं पर्पल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने सैनिक अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। पर्पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि प्रत्येक सैनिक सदन के निर्माण पर करीबन 12 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इसमें सैनिक विश्राम गृह, जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण कार्यालय, सामुदायिक हाल, पॉलीक्लिनिक्स, CHD कैंटीन, स्टेल्स पार्किंग सहित अन्य व्यवस्था भी की जाएगी। इसमें लिफ्ट एवं रैंप का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सेवानिवृत्त एवं सेवारत सैनिकों का डाटा तैयार करेंगे, जिसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग में IT सेल भी बनाया जाएगा, जो कि पूरी तरह से गतिविधियों को अपडेट रखेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि विभाग के ढांचागत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लगाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने रेवाड़ी में सैनिक स्कूल तथा EH अस्पताल के भवन निर्माण संबंधी जानकारी प्राप्त की और उसे शीघ्र तैयार करने के आदेश दिए। उन्होंने पंचकुला रेस्ट हाउस सहित राज्य के अन्य रेस्ट हाउस की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इसके संबंध में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी जगह पर ये निर्माण 100 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होंगे। उन्होंने बताया कि नारनौल, पलवल, पानीपत, झज्जर, जींद, नूह, फतेहाबाद तथा रेवाड़ी जिलों में सैनिक सदनों का चरणबद्ध तरीके से निर्माण होगा। कोसली और दादरी रेस्ट हाउस, जिनका निर्माण कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है। आप देख रहे हैं पलवल की एक खास रिपोर्ट।